फाइनली गाइस, जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स मुझे इस टाइम पे देख रहे हैं, आप सभी का बोर्ड एग्जाम्स 2024 का, यस गाइस, बोर्ड एग्जाम्स 2024 का टाइम टेबल आ चुका है, रिलीज हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली वो टाइम टेबल रिलीज हो गया है। बट गाइस, ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है। अब टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव मतलब अंदाजे में, मतलब वो जो डेट्स बताए हैं उन डेट्स के आसपास में ही आपके बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। अब मुझे पता है कि आप सभी को पता लग गया होगा कि टाइम टेबल क्या है, कितने तारीख से कितने तारीख तक है, कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं। बट जो चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ये आपको किसी ने बताया होगा। बट उससे पहले प्लीज गाइस, कमेंट डाउन, आपने अपने क्लास 10th के अंदर कितने परसेंटेज को एक्सपेक्ट किया है, एज वेल एज आपने कितने परसेंटेज का टारगेट बनाया है कि मेरे को क्लास 10th के अंदर इतने परसेंटेज तो चाहिए ही, इससे कम मुझे चाहिए ही नहीं। अब भी कभी कमेंट करो, मैं भी तो देखूं किसने कितने परसेंटेज का टारगेट बनाया है। एंड यस गाइस, अगर आप क्लास 10th से हो और इस चैनल पे नए हो, अब भी कभी मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि एक से एक वीडियोस आने वाले हैं, सब कुछ आने वाला है भाई। आपको इंटरनल्स के अंदर फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लास्ट मोमेंट टिप्स, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, सब कुछ मिलने वाला है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हो। बट गाइज, जिस चीज के लिए मैंने मेन ये वीडियो बनाई है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, आज से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 29th अगस्त से 2nd मार्च तक टोटल 185 डेज बाकी है। यस गाइस, ओनली 185 डेज आर रिमेनिंग। अब आप बोलोगे बट भैया 185 डेज है, बहुत दिन है, कर लेंगे हम लोग। तो देखो, मेन चीज ये है, मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है, आपके जो लास्ट के दो मंथ्स है, दैट इज जनवरी फरवरी, इनको आप काउंट मत करो प्रिपरेशन के अंदर, सिलेबस कंप्लीशन के लिए इनको काउंट मत करो। एज वेल एज मैं आप सभी को एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, दैट इज, जानना चाहते हो ना? नहीं बताता, चलो बता ही देता हूँ। मेक श्योर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी क्या होता है? आपका क्लास अलग है, स्कूल अलग है, जो आप लेक्चर्स देख रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो वो अलग है, आप खुद, आपकी बुक, आप दोनों मिलके कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये मैटर करता है। यस गाइस, यस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्या पूछ रहे थे, बट भैया आप कितना टाइम पढ़ते थे? तो देखो, मैं 3 से 5 घंटे पढ़ता था, शॉर्ट कुछ भी हो जाए, 3 से 5 घंटे मुझे दिन में निकालने थे क्लास 10th के लिए। और देखो, मैं आप सभी को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके पास क्लास 10th है, ओके, उसके अलावा क्या काम है? आपके जो मम्मी पापा है, पेरेंट्स है, उन्होंने आपको और क्या काम दिया है कि भाई तू पढ़ाई के अलावा ये कर? नहीं है ना कुछ भी। यस गाइज, वेक अप टू रियलिटी, सच में आपको पढ़ाई करनी है। अब देखो, टोटल 185 डेज बाकी है आपके लिए भी, और एक ऐसे टॉपर के लिए भी जो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 96-98% स्कोर करने वाला है। बट वो जो टॉपर है जिसको 98-99% तक मिल सकता है, आप में और उसमें क्या फर्क है? आप दोनों के पास सेम टाइम है। द मेन थिंग इज फोकस, डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको वो टॉपर्स के रेंज में जाना है, 90 चाहिए, 90 प्लस चाहिए, 95 प्लस चाहिए, ओनली टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज मेक योर टारगेट। आपका जो टारगेट है आपने सेट कर लिया, मेक योर डेली गोल्स कि आपको इस दिन के अंदर इतना पढ़ना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एज वेल एज डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। अब देखो, मेरे टाइम पे मेरे पास फ़ोन था, आपके पास भी डेफिनेटली होगा, बट वो जो फ़ोन है, वो जो डिस्ट्रैक्शन है, वो जो छोटा सा डब्बा है डिस्ट्रैक्शन का, वो आपके मार्क्स को खा जाएगा भाई। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरीके से बंद कर दो, नहीं, बट मेक श्योर आप उसे लिमिट में यूज़ कर रहे हो। जो इंस्टाग्राम वगैरह है उसके ऊपर लिमिट डाल दो कि आप आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देख पाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये वाले पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तभी जाके आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, नहीं तो यू विल एंड अप लाइक अ एवरेज स्टूडेंट जिसको 70 आए, 75 आए हैं। मेक श्योर वन थिंग, फोन आपके पास हमेशा है, बट आपके जो 10th बोर्ड एग्जाम्स हैं वो सिर्फ आप एक ही बार देते हो ना। यस गाइस, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और लाइक कर रहे हो इस वीडियो को। इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 100 लाइक्स का, आई होप आप डेफिनेटली करवा दोगे, एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। और सितंबर मंथ से क्लास 10th की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो ये वीडियो को डेफिनेटली देखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।